हाई welcome वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप all are डूइंग ग्रेट सो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी वी एल सी सी की ये डी टेन सनस्क्रीन जेल क्रीम इट्स अ जेल बेस्ड क्रीम एंड इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स द वीडियो तो फर्स्टली मैं बात करूँगी इसकी पैकेजिंग के बारे में जो ये ट्यूब है इसकी क्वान्टिटी है हंड्रेड ग्राम की एंड इसका जो प्राइस है वो है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन रुपीज़ बट अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी एंड मैंने इसे पर्पल से, से परचेज़ किया था एंड मुझे पड़ी थी टू हंड्रेड समथिंग के आई गेस इसका प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे इसका जो एस है वो है फिफ्टी प्लस एंड दैट्स ग्रेट आप जब भी कोई सनस्क्रीन परचेज करो तो आप फिफ्टी प्लस एस के साथ ही उस सनस्क्रीन को परचेज करो बिकॉज जो फिफ्टी प्लस एस है ना वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सन डैमेज एंड अगर आप फिफ थर्टी uh, प्लस या फिर उससे कम की लेते हो तो वो इतना अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है जितना कि फिफ़्टी प्लस एस करता है आपकी स्किन को अच्छे से तो फ्रंट पे इन्होंने आपको ये भी मैंशन कर रखा है कि ये आपके टैन को फेड करता है इवन आउट करता आपके है, है, so है, है आपके स्किन टोन को नॉन ग्रीसी है और इजी एब्जॉर्बशन है इसका सो दैट्स ट्रू ये नॉन ग्रीसी है इजीली एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में एंड बहुत ही लाइट वेट है मतलब ज़्यादा चिपचिपा नहीं है ज़्यादा ग्रीसी नहीं है एंड इवन टोन मतलब करता है थोड़ा बहुत आपकी स्किन को बट जहाँ तक ये टैन फेड करने की बात है सो दैट्स नॉट ट्रू उसके लिए तो आपको अपना एक अच्छा स्किन केयर करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आप सनस्क्रीन से अपना टैन तो रिमूव नहीं कर सकते हो एंड इसमें है कैरेट एंड क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट और ये पैराबिन फ्री है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करो आप सबसे पहले ये चीज़ नोटिस किया करो कि वो सल्फेट और पैराबिन फ्री है या नहीं आप तभी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करो एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मैंशन किया है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेसिकली जो जेलबेस प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि ये जो सनस्क्रीन है ये सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं ये सभी स्किन टोन वाले यूज़ कर सकते हैं लाइक like, हर एक स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकता है एंड बैक साइड पे इन्होंने आपको डायरेक्शन भी दे रखी हैं कि आप इसे कैसे यूज़ करना है और इसके इन्ग्रीडियंट्स भी आपको इन्होंने मैंशन किए हैं कि इसमें क्या क्या है सब चीज़ आप देख सकते हो इसकी बैक साइड पे एंड और भी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आपको आप जब इसे परचेज करो तो आप इसके ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है आप देख सकते हो तो चलिए अब मैं आपको इसे अप्लाई करके भी बता देती हूँ तो आपको इसको जब अप्लाई करना है तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है थोड़ा सा इसका अमाउंट लेके भी इसे अप्लाई कर सकते हो एंड आपको एक अच्छी सी एक लेयर अपने फेस पे बनानी है इसकी तो अच्छे से इसको अप्लाई करना है एंड आपको इसको नेक पे भी अप्लाई करना है सो so, नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना एंड आप देख सकते हो इसने मेरे फेस पे एक हल्का सा ग्लोई इफेक्ट दिया है इसका ना मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है मतलब कि जब आप इसे अप्लाई करते हो ना अब इसको अगर ज्यादा रब करोगे तो ये निकलना स्टार्ट हो जाएगी लेट मी शो यू मैंने जस्ट इतना सा अमाउंट अप्लाई किया है अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करो ना तो ये बहुत ही अच्छी एक लेयर आपकी स्किन पे बना देगी लाइक दिस सी बट अगर आप इसको ज्यादा रब करोगे या मतलब ज्यादा उससे करने लगोगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई बना देगी एंड ये ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसके बारे में बस एक इसका यही डिसएडवांटेज है बाकी तो इट्स अ गुड सनस्क्रीन आप इसे यूज कर सकते हो ये जो सनस्क्रीन है ये आपकी स्किन पे काफी अच्छा लेयर बनाती है एंड आपकी स्किन को एक थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी देती है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी आप ज़रूर इसे यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना जिन्होंने भी इसे यूज़ किया है उनका क्या एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ सो so, ये था मेरा रिव्यू इस सनस्क्रीन के बारे में एंड आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो so, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक करना शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ Love you all. See you in my next video.